तत्काली टिकट रैकेट का भंडाफोड़, पहली बार 1.5 करोड़ रुपए के 6,600 टिकट रद्द। सिर्फ एक क्लिक में तत्काल कोटे के 100 कंफर्म टिकट बुक कर लेते थे एजेंट। देश भर में 5,400 एजेंटों के नेटवर्क को चलाने वाला मास्टरमाइंड ठाणे से गिरफ्तार। मध्य रेलवे RPF ने तत्काली टिकट बुक करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट अनधिकृत सॉफ्टवेयर काउंटर के द्वारा चंद सेकंड में सैकड़ों तत्काल टिकट बुक कर देता था। रैकेट के मास्टरमाइंड सलमान खान को मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के ठाणे में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास ही टिकट बुक करने का लाइसेंस भी नहीं है। उसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। काउंटर सॉफ्टवेयर के द्वारा बुक किए गए 1.5 करोड़ रुपए के 6,600 तत्काली टिकट रेलवे ने शुक्रवार को ब्लॉक कर दिए। यानी जिनके पास ये रद्द किए जा चुके टिकट हैं, वे अब यात्रा नहीं कर सकेंगे। ये टिकट देश भर से बुक हुए थे, लेकिन पश्चिम और मध्य रेलवे के टिकट सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ एक क्लिक में 100 कंफर्म टिकट कर लेते थे बुक। रेल अधिकारियों ने बताया कि काउंटर सॉफ्टवेयर के जरिए सलमान रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को हैक कर लेता था। वह माउस के सिर्फ एक क्लिक से एक बार में 100 कंफर्म तत्काली टिकट बुक कर लेता था। किसी को शक न हो, इसके लिए अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बार बार बदल देता था। मध्य रेल मुंबई मंडल RPF के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सचिन भालोडे ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा तत्काली टिकट रैकेट है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ही टिकट भी ब्लॉक किए गए हैं। जिनके टिकट ब्लॉक, उन्हें SMS से दी जा रही सूचना। जिनके तत्काली टिकट ब्लॉक किए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर पर रेलवे SMS भेजकर सूचना दे रहा है, लेकिन कई बार एजेंट टिकट बुक करते समय यात्री के बजाय अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ऐसे में संबंधित यात्रियों को टिकट ब्लॉक किए जाने की सूचना नहीं मिल सकेगी। ऐसे में यात्री खुद रेलवे की वेबसाइट पर अपना PNR नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। अगर टिकट ब्लॉक हो गया होगा तो रद्द लिखा आएगा। रिजर्वेशन काउंटर पर भी PNR चेक कर सकते हैं। यात्रियों द्वार हंगामे के मद्देनजर RPF की तैनाती की तैयारी। रेलवे को आशंका है कि जिन यात्रियों का तत्काली टिकट ब्लॉक किया गया और उन्हें इसकी सूचना नहीं मिल पाई तो यात्रा वाले दिन वो हंगामा कर सकते हैं। इसलिए मंडल वाणिज्य प्रबंधक की ओर से मंडलों के विभागीय सुरक्षा आयुक्तों को बड़े स्टेशनों पर अतिरिक्त RPF जवान तैनात करने को कहा है। पश्चिम रेलवे मुंबई मंडल के सूरत, वापी, वलसाड, दादर, मुंबई सेंट्रल, अंधेरी, बोरीवली, नंदुरबार और बांद्रा टर्मिनस में अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। सूरत में RPF ने 50 जवान बुलाए हैं, वहीं जबकि 50 जवान अगले कुछ दिन में आएंगे। रेल यात्रियों को संभालने के साथ ही अन्य कामों में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। देश भर में चला रहा था रैकेट। प्रति टिकट 700 रुपये लेता था।